नमस्कार दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्यम की नौवे दिन की कथा अध्याय नौ में। कृष्ण भगवान का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा कहना। सूत जी बोले, इसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेधावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृतांत पूछने लगे। हे नारायण, वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, वहां उस पुत्री को अपने पिता की रह रहकर याद आती और इस प्रकार बार बार शोक करते हुए उसको कई वर्ष बीत गए। उस सूने आश्रम में उसकी दशा ऐसी हो गई जैसे अपने झुंड से बिछड़ने पर एक हिरणी की हो जाती है। उसके नेत्रों से लगातार आंसू बहते रहते थे, हृदय जलता रहता था और आहें भरती रहती थी, जैसे पिटारी में बंद सर्पिणी पड़ी रहती हो वैसे ही वह आश्रम भी रहती थी। अपने दुख के समाप्त होने की अवधि न दिखाई देने से चिंतातुर रहती थी। उस कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा आए, जिनको देखने मात्र से ही इंद्र भी थरथर कांपते हैं। ऐसे जटाजूट धारण किए जैसे मानो साक्षात शिव ही हो, मुनि दुर्वासा उस कन्या के आश्रम में पधारे। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्यावस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर प्रसन्न हो देवताओं को आकर्षित कर देने वाली विद्या उन्हें दी थी और जिन्होंने हे राजन मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मणी सहित बैलों के स्थान पर रथ में जोता था। श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठाकर वे दोनों जब रथ खींचने लगे तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मणी जी के तालू और होठ सूखने लगे और फिर भगवान नारद जी को वे कथा बताने लगते हैं। श्री कृष्ण बोले, और जब जल पीने की इच्छा से रुक्मणी जी ने मुझे इशारा किया तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए ही चलते चलते मैंने अपने पैर के अग्रभाग से धरती को दबाकर भोगवती नदी को प्रकट किया, जिससे वह नदी ऊपर बहने लगी और उतने ही जल से हे महाराज मैंने रुक्मणी की भारी प्यास को बुझाया। यह देखकर मुनि दुर्वासा को तत्क्षण महाक्रोध उत्पन्न हुआ और प्रलयकाल की अग्नि के समान उठकर कुपित ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि अहो कृष्ण, तुम्हें रुक्मणी अत्यंत प्रिय है, तुमने उसके प्रेम के कारण अपना महत्व दिखाते हुए मेरा निरादर किया है, उसे पानी पिलाया है, इसलिए तुम दोनों में परस्पर वियोग रहेगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। वही दुर्वासा ऋषि जो साक्षात रुद्र अंश से उत्पन्न मानो प्रलय काल के रुद्र के समान हो, वे अपने पिता अत्रि ऋषि की उग्र तपरूपी कल्प वृक्ष के अतिश्रेष्ठ फल और अपनी माता सती शिरोमणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न हुए अतीव मेधावी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्या ही ने मूर्तिमान हो अवतार ले लिया हो। अनेक तीर्थों के जल से भीगी जटाओं से सुशोभित ऐसे मुनि को आते देखकर कुमारी ने शोक सागर से निकलकर खड़ी हो धैर्य पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया, जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को अपने आश्रम में ले आई थी वैसे ही वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्ध्य पाद्य वन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति ले आदर से उनकी पूजा की। फिर हे राजन, वह विनय पूर्वक बोली, हे महाभाग, हे अत्रिवंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आगमन हुआ? आपके पधारने से मेरा भाग्य उदय हुआ है,
अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित हो मुझे समझाने आए हो। आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों आज सफल हुए। ऐसा कहकर वह कन्या उनके आगे चुपचाप खड़ी हो गई। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्री, साधु साधु, तूने अपने पितृकुल का उद्धार कर दिया। यह मेधा ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है जो तुम जैसी कन्या का उसके घर में जन्म हुआ है। मैं कैलाश से तेरी धर्म परायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे पुत्री, अब मैं नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वे लोक कल्याणार्थ उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया है। हे मुनिवर, आपने सांत्वना दी कि तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ। हे कृपा सिंधो, हे कल्याणकारी, क्या आप मेरे दुखों को नहीं जानते? उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय कहिए। मेरे विचार से तो कोई भी हर्ष उपजाने वाला नहीं दिखता। मेरे माता पिता, भाई आदि कोई भी नहीं है जो मुझे इस दुख रूपी समुद्र से बचा सके। मैं कैसे जीऊं? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सूना ही सूना दिखता है। हे तपोनिधे, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगी, इसका मुझे महाभय है। इसी कारण न रात को निंद्रा आती है, न भोजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर वह रोती हुई मौन हो गई। तब दुर्वासा ऋषि उसके दुख का उपाय विचारने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुन उसका अभिप्राय समझकर ऋषि उसके कल्याण का विचार कर अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसकी ओर देखकर हितकारी वचन बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा नवम अध्याय समाप्त।